सुस्वागतम छात्राः, अद्य वयं दशमः पाठः स्वच्छतायाः महत्त्वं पठिष्यामः। पाठ 10 स्वच्छतायाः षष्ठी विभक्ति। स्वच्छता का महत्त्वं महत्त्व। स्वच्छता के विषय में सभी जानते हैं कि हमें अवशिष्ट पदार्थ को अवशिष्टम अवकरम यत्र तत्र न प्रक्षेयम्, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें कहीं पर भी जो उनका डिब्बा है उसमें रखना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है। अब आप पाठ देखिए। प्रदूषण क्रमशः पादपानां जीवानां च नाशा भवति। प्रदूषण से तृतीय व्यक्ति क्रमशः पादपानां वृक्षों का और जीवों का नाश होता है। तेषां रक्षणे उनके रक्षण में ही अस्माकं रक्षणम् हमारा रक्षण है, उनकी रक्षा में हमारी रक्षा है। स्वच्छतया एव सर्वेषां रक्षा संभवति। स्वच्छता के द्वारा ही सभी की रक्षा संभव है। एतेषां समस्यानां इन समस्याओं के निराकरण के लिए मेट्रो स्थानकों पर विमान पतनों पर हवाई अड्डों पर समुचित व्यवस्था है। तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छतायाः अनुभवं कुर्वन्ति, वहाँ सभी स्वच्छता का अनुभव करते हैं। दंड के भय से कोई भी एतान यहाँ मलिनम न करोत, इनको मलिन नहीं करता, गंदा नहीं करता। परम दंडमेव तु साधनम नास्ति, दंड ही तो साधन नहीं है। न केवल दंड के भय से ही नहीं परंतु स्वच्छतायाः शिक्षया, स्वच्छता की शिक्षा के द्वारा अभ्यासेन पालनेन च, अभ्यास और पालन से वयं सर्वे हम सभी स्वच्छ भारत का निर्माण कर्तुं शक्नुमः, करने में समर्थ हैं या कर सकते हैं। आगे देखें। पुरा ग्रामेषु नगरेषु जनपदेषु च, पुरा माने पहले, गाँव में, नगरों में और जनपदों में शौचालयानाम अभाव आसीत, शौचालयों का अभाव था। अतएव जन जागरण के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान आरम्भ किया गया। आज आवासीय क्षेत्रों में तेज गति से शौचालयों का निर्माण हो रहा है। एतेषु कार्येषु, इन कार्यों में जनसाधारण का सहयोग आवश्यक है। छात्राणामपि, छात्रों का भी कर्तव्य है यत् कि ते स्थान पर जाकर स्वच्छता के विषय में जनान शिक्षयन्तु, लोगों की शिक्षा कर दें। सर्वे स्वच्छतायाः, सभी स्वच्छता का नियमानां पालनं कुर्वन्ति, और नियमों का पालन करें। इस प्रयास से अस्माकं गृहं, हमारा घर, गांव, ग्राम, नगर, जनपद, राज्य, संपूर्ण भारत देश स्वच्छ, रोग मुक्त और प्रदूषण रहित तथा स्वस्थ भवतु, हो का या हो। शब्दार्थ देख लीजिए, फिर अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास में है संप्रति लेखनीयम, हमें लिखना है एक पद में उत्तर देना है। कया सर्वेषां रक्षा भवति, तो कह रहे हैं स्वच्छतया, कया की जगह स्वच्छतया। केभ्यः, स्वच्छतायाः ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति, तो सर्वेभ्यः, सभी को स्वच्छता का ज्ञान होना चाहिए। कार्येषु कस्य सहयोगः,
तो कार्येषु जनसाधारण से सहयोग आवश्यक अस्ति। केन कोऽपि एतान् मलिनं न करोति, तो प्रयासेन कोऽपि एतान् मलिनं न करोति। अपूर्ण वाक्य ने उत्तर है, प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर कर दीजिए। छात्राणाम किम कर्तव्यम अस्ति, छात्रों का क्या कर्तव्य है? तो कह रहे हैं कि छात्राणाम कर्तव्यम अस्ति यत् कि ते स्थानम स्थानम गत्वा, वे स्थान स्थान पर जाकर स्वच्छतायाः विषये, स्वच्छता के विषय में जनान शिक्षयन्तु, लोगों को शिक्षित करें। जनाः अवकरं कुत्र क्षिपन्ति, जनाः अवकरं च यत्र तत्र सरिणसु सरिणिषु वीथीषु च क्षिपन्ति, जहाँ तहाँ नदियों में और मार्गों में क्षिपन्ति, फेंक देते हैं। जनजागरणाय केंद्रीय सर्वकारेण किमारभत, जनजागरणाय केंद्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम आरभत। वयम सर्वे किम कर्तुम शक्नुमः, वयम सर्वे स्वच्छतायाः नियमानां पालनम कुर्याम। या कर्तुम शक्नुमः, दोनों भी कर सकते हैं आप, करना चाहिए या करने में समर्थ हैं। अब प्रश्न नंबर 3, पाठात षष्ठी विभक्ति है पंच पदानि, षष्ठी विभक्ति है 5 पदों को लिखिए पाठ से अपने। देखिए उसमें से स्वच्छतायाः एक वचन, पादपानाम बहुवचन, षष्ठी विभक्ति जीवानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, समस्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, छात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब आते हैं अवबोधनम पर। शब्दार्थ मेलनम कुरु, आप शब्दों को मिलाइए। मलिनम माने गंदा, पुरा माने पहले, सर्वकारेण अवकरम, अवकरम माने कचरा, पूरा कचरा, सर्वकारेण सरकार द्वारा, सरणिषु सड़कों पर, अवशिष्टम जूठन या बचा हुआ, तीव्र गत्या तेज गति से, विपतनेषु हवाई अड्डों पर। क्रियापदानि लट लकारे लिखत, अब इनको क्रियापदों को लट लकार में लिखना है, ये भूतकाल भविष्यकाल में लिखे हुए हैं। आसीत का अस्ति, भविष्यन्ति का भविष्यकाल है, तो भवन्ति जिस वचन में है उसी वचन में उसी लिंग में लिखना है। स्याताम अस्ति स्ता संति, तो द्विवचन में क्या लिखना है लट लकार में, यहाँ है आसीत आस्ताम, स्यात् स्याताम सिहु, तो स्याताम की जगह पर हो जाएगा आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस, आसम आस्व आस्म, तो आसीत अस्ताम, तो ऐसा द्विवचन हो गया। अकरोत का करोति, करिष्यन्ति का कुर्वन्ति, धावतु धावति, वर्तमान का लट लकार में। अब पदपरिचयम कुरुत, कुरुत पदपरिचय करिए। कुर्वन्तु क्री धातु कौन सी है, क्री धातु, लकार कौन सी है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन करोति कुरुतः कुर्वन्ति, आसीत अस्धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन आसीत आस्ताम आसन, शिक्षयन्तु शिक्षधातु लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, शिक्षतु शिक्षिता शिक्षताम शिक्षन्तु, शक्नुमः शक्धातु लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, शक्नुम शक्नुवः शक्नुमः, यहाँ पर शक्नुमः है तो बहुवचन हो गया। क्षिपन्ति क्षिपधातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, क्षिपति क्षिपता क्षिपन्तु क्षिपन्ति, सन्तु अस्धातु अस्तु अस्ताम सन्तु लोट लकार में होगा, प्रथम पुरुष सन्तु अस्ति अस्तः अस्तु अस्ताम सन्तु, तो बहुवचन हो गया है सन्तु, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करिए। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, स्वच्छता स्वास्थ्याय आवश्यकी अस्ति, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। सुवातावरणम स्वच्छेम, कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तव अवकरम, ये नपुंसक लिंग है, अवकरम इतस्ततः न प्रक्षेम, जल को भी प्रदूषण से बचाओ,
जलम अभी प्रदूषणेन रक्ष। लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाओ, जनानाम स्वच्छतायाः महत्वम शिक्षयतु। अब क्रियाकलाप में देखिए, इसमें सब लिखा हुआ है, इसका हिंदी रूपांतरण हमने आगे दे रखा है, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।